हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई 9.2 किलोमीटर लंबी घोड़े के नाल के आकार की सिंगल ट्यूब अटल सुरंग पूरी हो गई है और इसके निर्माण के पूरा होने के साथ ही इस क्षेत्र में समृद्धि आने की एक उम्मीद जगी है। यहां हर सर्दियों में करीब 20,000 लोग देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। आपको बता दें कि यह भारत की रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है क्योंकि यह घाटी को दुनिया के बाकी हिस्सों के नजदीक लाती है। यहां तक कि कड़कड़ाती ठंड के महीनों में भी जब यह क्षेत्र बर्फबारी से ढक जाता है तब यहां के लोग सुरंग के उद्घाटन के साथ निरंतर आपूर्ति, व्यापार और पर्यटन को लेकर बेहद उत्सुक रहते हैं। इसका नाम रोहतांग दर्रे के नाम पर पहले रोहतांग टनल था। रक्षा मंत्रालय की एक शाखा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एफकॉन्स के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है और 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सुरंग का उत्तरी पोर्टल लाहौल और स्पीति जिले की ओर है जबकि दक्षिणी पोर्टल मनाली से लगभग 30 किलोमीटर दूर धुंधी की ओर है। केलांग के 80 साल के किसान विधि चंद ने बताया कि हम उस सुरंग के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिसे शुरू में 2015 तक पूरा करने का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि यह हमारी मुश्किलों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सिसु गांव के हीरा सिंह ने कहा कि हम खुश हैं कि कम से कम अपने जीवन काल में हम उस सुरंग को देख पाएंगे जो लाहौल के लोगों के लिए राज्य के बाकी हिस्सों के साथ हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली है। बता दें कि यह सिसु वह स्थल है जहां स्थानीय लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर बड़ी ही गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। वह दक्षिणी पोर्टल पर सुरंग का उद्घाटन करने के बाद एक छोटी जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचेंगे। दक्षिणी पोर्टल की ओर 10 मिनट से भी कम समय में 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने के बाद मोदी सिसु गांव की ओर बढ़ेंगे। वह सुरंग की दक्षिणी पोर्टल की ओर सोलंग घाटी में अपनी दूसरी और आखिरी छोटी जनसभा में भाग लेंगे। बता दें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी द्वारा 28 जून 2010 को मनाली के पास सुरंग में सोलंग घाटी में 1495 करोड़ रुपए की लागत वाले सुरंग का शिलान्यास किया गया था। यह सुरंग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था इसलिए इसका नामकरण मरने उपरांत उनके नाम पर किया गया। इसका निर्माण फरवरी 2015 तक पूरा होना था लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका। बीआरओ के अनुसार देरी के बावजूद सुरंग का निर्माण 4,083 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि में से 3,200 करोड़ रुपए के भीतर पूरा हो गया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन कोविड के समय को देखते हुए उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी के ठंडे स्थानों के लिए यह सुरंग एक वरदान साबित होगी जहां 20,000 लोग कड़ाके की सर्दी में देश के बाकी हिस्सों से कटे हुए रहते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए समारोह को बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जा रहा। सुरंग के कारण मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय को कम करने और लगभग 46 किलोमीटर को कम करने के अलावा सुरंग से होकर किसी भी मौसम में प्रतिदिन 3,000 वाहन गुजर सकते हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े नकुल बोध ने कहा कि सुरंग के निर्माण से लाहौल घाटी में साल भर पर्यटकों की आवाजाही सुनिश्चित होगी जिससे स्थानीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।